नमस्कार। बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना कैंप को बड़ी राहत दी है, तो विधान परिषद नेता पद को लेकर राकांपा अड़ गई है। इस मामले में शिवसेना राकांपा आमने सामने है। वही जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि उसका समुदाय बॉलीवुड स्टार सलमान खान को कभी माफ नहीं करेगा, जब तक कि वो काले हिरण की हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। तो उधर गोवा में कांग्रेस के 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाने के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए गोवा जाने को कहा है। इस बीच बिजली कनेक्शन काटने की धमकी वाले संदेश भेजने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि इस ठग ने मुंबई के 80 लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना कैंप को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। उनकी ओर से अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें विधानसभा के नए स्पीकर के चुनाव को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस अर्जी पर सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को बताए कि इस याचिका पर फैसले तक वह कोई फैसला न ले। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करना होगा। ऐसे में अर्जी को लिस्टेड करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है, भले ही अदालत ने अर्जी को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन स्पीकर के फैसले लेने पर रोक लगाकर उद्धव कैंप की फौरी राहत जरूर दी है। अदालत ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को आदेश दिया है कि वे एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे कैंप के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर फिलहाल कोई फैसला न ले। उद्धव ठाकरे कैंप का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से मांग की है विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कृपया स्पीकर को बताए कि अयोग्यता की अर्जी पर कोई फैसला न ले, जब तक अदालत इस मसले की सुनवाई नहीं कर लेती है कल इस पर सुनवाई नहीं होगी, लेकिन स्पीकर को इस बारे में बता दे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का पद एनसीपी के अजित पवार के पास है। अब विधान परिषद में भी एनसीपी नेता विपक्ष का पद चाहती है। वही बगावत झेलने वाली शिवसेना का कहना है कि विधानसभा में भले एनसीपी को विपक्ष के नेता का पद मिल गया है, लेकिन यहां उसके हाथ में ही कमान होनी चाहिए। शिवसेना का कहना है कि विधान परिषद में विपक्षी दलों में उसके सबसे ज्यादा 13 सदस्य है, इसलिए उसका ही दावा बनता है। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि इस पद पर एनसीपी भी दावा ठोक रही है। इसका कहना है कि एकनाथ खड़से जैसा सीनियर नेता उसके पास है जो सदन में भाजपा का मुकाबला कर सकेगा। इस महीने के अंत में मानसून सेशन की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले शिवसेना की ओर से विधान परिषद में नेता विपक्ष के लिए अपने किसी लीडर का नाम भेजा जा सकता है। शिवसेना के MLC सचिन अहिर ने कहा कि हमारे पास 13 सदस्य है और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी है। एनसीपी के पास 10 सदस्य है और एक निर्दलीय का समर्थन है, इसलिए शिवसेना का दावा बनता है। इस बारे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे परिषद के अध्यक्ष को लेटर भेजा जाएगा। शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों के एकनाथ शिंदे के समर्थन में जाने के बाद से पार्टी दोफाड़ नजर आ रही है। इस तरफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता छोड़नी पड़ी, तो वही दूसरी तरफ पार्टी को लेकर भी संघर्ष स्थित है। सलमान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि उसका समुदाय बॉलीवुड स्टार सलमान खान को कभी माफ नहीं करेगा, जब तक कि वह काले हिरण की हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। दरअसल बिश्नोई समुदाय ब्लैकबक या काले हिरण को शुभ और पवित्र मानता है, यहाँ तक कि उसे अपनी फसलों को खाने से भी नहीं रोका जाता। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में उसके कनेक्शन को लेकर की गई पूछताछ में बिश्नोई ने कई खुलासे किए थे। कुछ दिन बाद काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई थी। एक पत्र में सामने आया जिसमें कहा गया था कि मूसेवाला जैसा हाल करेंगे। उसने खुले तौर पर कहा कि चूंकि बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु भगवान जम्बाजी उर्फ जम्बेश्वर का अवतार मानते हैं, कोर्ट से दंड मिलना या बरी होना उसके लिए आखिरी फैसला नहीं होगा। सलमान खान और उसके पिता जम्बाजी मंदिर में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो बिश्नोई उसे बिना मारे नहीं छोड़ेंगे।
कई बार गैंगस्टर से पूछताछ करने वाले डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि बिश्नोई पहली बार उस समय सुर्खियों में आया जब उससे गैंग के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि वह 1998 के ब्लैकबक की हत्या के मामले में खान से बदला लेना चाहता है। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं होने के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए गोवा जाने को कहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कल रात ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसद मुकुल वासनिक को गोवा में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए वहां जाने को कहा है। गोवा में कांग्रेस के कुछ विधायकों को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी कल आरोप लगाया है कि यह लोकतंत्र नहीं है बल्कि बीजेपी का धनतंत्र है। कांग्रेस के 11 विधायकों में से कुछ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि इस बात की जांच करने की जरूरत है कि इसमें से कितने विधायक प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह लोकतंत्र नहीं है बल्कि यह बीजेपी का धनतंत्र है। दरअसल गोवा में विपक्षी दल कांग्रेस के 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राज्य विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि लोबों पर कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन पर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। बिजली कनेक्शन काटने की धमकी वाले संदेश भेजने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि इस ठग ने मुंबई के 80 लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। आरोपी के हाथों ठगी के शिकार हुए ज्यादातर लोगों की आयु 60 से 80 साल के बीच है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, नौसेना अधिकारी भी शामिल है। मदन साव नामक 37 वर्षीय आरोपी को कुछ दिनों पहले मुंबई की मलाबार हिल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 1.7 लाख रुपए का चूना लगने के बाद उसके खिलाफ 53 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। साव मूल रूप से झारखंड के जामतारा का रहने वाला है। फिलहाल वह नई मुंबई के कोरपैखरने इलाके में एक किराए के घर में रह रहा था। पुलिस ने उसे नई मुंबई से गिरफ्तार किया था। आरोपी के बैंक खातों की जांच में खुलासा हुआ है कि दूसरे लोगों के अकाउंट से उसके खाते में 1.6 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ठगी का शिकार हुए लोगों में अंधेरी इलाके की एक बुजुर्ग महिला भी है जिसके खाते से करीब 12 लाख रुपए निकाले गए थे। मुंबई और उपनगरों में बिल जमा न होने के चलते बिजली काटने की धमकी देकर ठगी करने के 40 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी है। इस तरह की ठगी के मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। आरोपी लोगों को मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजता था। संदेश में दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क न करने पर बिजली काट दी जाएगी। इसके बाद फोन करने वाले को आरोपी अपने जाल में फंसा लेता था। झारखंड की 2.5 साल पुरानी सरकार को लेकर अटकलें तेज हो रही है तो भगोड़े शराबी कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की कैद की सजा सुनाई है। वहीं झारखंड के सरकारी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों का नाम उर्दू स्कूल करने के मामले की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच का आदेश दे दिया है। तो उधर जोधपुर के CRPF प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान ने ट्रेनिंग सेंटर में जमकर फायरिंग की। इस बीच चेन्नई में सोमवार को हुई AIADMK की अहम बैठक से पहले पार्टी के भीतर फूट खुलकर सामने आ गई। कार्यकर्ताओं में ही जमकर मारपीट हुई। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रांची और दिल्ली की सियासी गलियारों में झारखंड की 2.5 साल पुरानी सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की ओर से चलाया गया आदिवासी दाव इसकी एक बड़ी वजह है। NDA ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को उतारकर झारखंड में गठबंधन सहयोगियों में दरार पैदा कर दी है। दरअसल मुर्मू के नाम के ऐलान से पहले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाली झामुमो आदिवासियों के नाम पर ही राजनीति करती रही है। ऐसे में उसके लिए झारखंड के राज्यपाल रह चुकी मुर्मू के खिलाफ जाकर यशवंत सिन्हा के लिए वोट करना मुश्किल हो गया है। वहीं कांग्रेस चाहती है कि सोरेन 2012 की तरह इस नैरेटिव को दरकिनार करके यशवंत का साथ दे। बता दे उस समय झारखंड में बीजेपी और झामुमो की सरकार थी। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी नेता PA संगमा को उम्मीदवार बनाया था,
लेकिन जामुमो ने यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था। सवाल किया जा रहा है कि यदि जामुमो ने 2012 में संगमा को दरकिनार किया था तो इस बार मुर्मू के खिलाफ क्यों नहीं जा सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जामुमो के लिए मुर्मू के खिलाफ जाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि सोरेन परिवार के साथ उनका रिश्ता पहले से ही काफी मधुर है। भगोड़े शराबी कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने माल्या के खिलाफ यह कार्रवाई साल 2017 के केस में की है। माल्या के बार बार गैर हाजिर रहने से नाराज शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं की गई तो माल्या को 2 और महीने की कैद भुगतनी होगी। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती। माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्याचिका 2020 में खारिज कर दी थी। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्थ वारंट पर उन्हें जमानत दी थी। आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को $40 मिलियन भेजने के बारे में कोर्ट से जानकारी छिपाने के चलते साल 2017 में शीर्ष न्यायालय ने माल्या को अवमानना का दोषी पाया था। झारखंड के सरकारी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों का नाम उर्दू स्कूल करने के मामले की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिलों में इसकी जांच करने का कहा है। किस जिले में किन किन स्कूलों के नाम उर्दू स्कूल में बदल दिए गए हैं और कहां कहां शुक्रवार को अवकाश दिया जा रहा है, इसकी एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें सरकार के नियम के विरुद्ध काम करने वाले अधिकारियों और शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप टोपो, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी, जामताड़ा के डीईओ डीएसई अभय शंकर समेत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक और जेईपीसी की एसपीडी को निर्देश दिया था कि राज्य भर में जांच कराई जाए कि कितने स्कूलों का नाम बिना अनुमति के उर्दू स्कूल कर दिया गया है। राज्य में ऐसे कितने स्कूल है जहाँ शुक्रवार को छुट्टी होती है। ऐसे स्कूलों को प्रधानाध्यापक समेत यह स्थिति बहाल करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाए और उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए। अगर उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। जोधपुर के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बस के एक जवान ने ट्रेनिंग सेंटर में जमकर फायरिंग की। फायरिंग की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के मुताबिक यह जवान किसी बात को लेकर नाराज है और इसी वजह से उनसे यह फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि इस जवान ने खुद को तथा अपनी पत्नी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर लिया है। डीसीपी जोधपुर ईस्ट अमृता दुहान ने बताया है कि अभी यह साफ नहीं हो सकता है कि आखिर इस कांस्टेबल ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। इस जवान को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है तथा उसे कमरे से बाहर आने के लिए भी कहा जा रहा है। फ्लैट के अंदर से यह जवान कभी कभी हथियार लेकर बालकनी में भी आ रहा है। इस जवान को काबू करने की सभी कोशिशें अब तक नाकाम रही है। घटनास्थल पर जवान के अन्य परिजनों को भी बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार इस सीआरपीएफ जवान का नाम नरेश जाट है। नरेश मूल रूप से राजस्थान के ही पाली जिले का रहने वाला है। करीब 3 साल से वो जोधपुर सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में तैनात था। वह शराब पीने का आदी है, वो गुस्सेल प्रवृत्ति का भी है। यह भी कहा जा रहा है कि कई दिनों से छुट्टी नहीं मिलने से भी यह जवान परेशान था। छुट्टी को लेकर डीआई से विवाद की बात भी सामने आ रही है। चेन्नई में सोमवार को हुई एआईएडीएमके की अहम बैठक से पहले पार्टी के भीतर फूट खुलकर सामने आ गई। जनरल मीटिंग में यह फैसला हुआ कि पालानी स्वामी एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव होंगे। इसके बाद पालानी स्वामी की अध्यक्षता वाली बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि पन्नीर सेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से हटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओपीएस ने घोषणा की कि उन्होंने ही पालानी स्वामी और केपी मुनुस्वामी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। उनका कहना है कि वह न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे।
इसी दौरान पार्टी मुख्यालय के पास ओ पन्नीरसेल्वम और ई पालानी स्वामी के समर्थकों में जमकर झड़प हुई। वजह थी कि पन्नीरसेल्वम ने जनरल काउंसिलिंग की मीटिंग पर रोक लगाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की याचिका दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पालानी स्वामी की अगुवाई में होने वाली इस बैठक को मंजूरी दे दी। इसी के बाद हंगामा शुरू हुआ। पार्टी दफ्तर के बाहर दोनों गुट में पत्थरबाजी भी हुई। मीटिंग के दौरान मुख्यालय में घुसने के लिए लोगों ने दरवाजे भी तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई के रोयापेटा में अन्नाद्रमुक कार्यालय क्षेत्र के आसपास धारा 144 लगाई गई है। यूरोपीय देश नीदरलैंड में शुरू हुए किसानों के प्रदर्शन से पूरी दुनिया दो रोटी के लिए तरस सकती है। यहाँ हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर्स के साथ सड़कों पर उतरा है। तो हाल के दिनों में नेपाल के कई फैसले अमेरिका की तरफ झुके दिखाई देते हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन एक बार फिर से नेपाल के नजदीक आना चाहता है। वहीं श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में एक खुफिया बंकर मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बंकर के सहारे ही राष्ट्रपति भागे हैं। तो उधर पाकिस्तान के लाहौर में ईसाई धर्म मानने वाले एक व्यक्ति को ईश निंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। व्यक्ति पर बस इतना आरोप था कि उसने पैगंबर के बदले जीजस को सुप्रीम कहा था। इस बीच भारत के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहे चीन और पाकिस्तान ने नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। सीगर्जियन डो नाम का यह अभ्यास शंघाई के समुद्री तट पर आयोजित किया गया है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूरोपीय देश नीदरलैंड में शुरू हुए किसानों के प्रदर्शन से पूरी दुनिया दो रोटी के लिए तरस सकती है। यहाँ हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर्स के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। लिहाजा अब यूरोपीय संघ को खाद्य सुरक्षा को ग्रीन एनवायरमेंट के बीच संतुलित करना होगा, अन्यथा न केवल इस किसान आंदोलन के नतीजे वैश्विक खाद्य श्रृंखला पर असर डालेंगे बल्कि प्रभावित देशों में मुद्रास्फीति को काफी ज्यादा बढ़ा जाएंगे। रूस और पश्चिम एशिया के तेल उत्पादकों पर प्रतिबंध के कारण तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर है और उत्पादन में कटौती की वजह से तेल कंपनियां अप्रत्याशित लाभ कमा रही है। और अगर वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला खतरे में पड़ी है तो फिर छोटी अर्थव्यवस्थाओं वाले कई देशों की स्थिति पूरी तरह से श्रीलंका जैसी हो जाएगी और श्रीलंका जैसी तस्वीरें कई और देशों से आनी शुरू हो जाएंगी। दरअसल नीदरलैंड की सरकार ने साल 2030 तक देश में नाइट्रोजन और अमोनिया गैस के उत्पादन को करीब 50-70% तक कम करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सरकार ने 22 अरब पाउंड की योजना भी बनाई है। लेकिन किसानों के सड़क पर उतरने के बाद नीदरलैंड सरकार के इस फैसले का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। अगर किसान नहीं मानते हैं तो यूरोपीय संघ को भी खाद्य सुरक्षा और के बीच एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ेगा। हाल के दिनों में नेपाल के कई फैसले अमेरिका की तरफ झुके दिखाई देते हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन एक बार फिर से नेपाल के नजदीक आना चाहता है। चीन को अंदेशा है कि अगर नेपाल की दो कम्युनिस्ट पार्टियों माओइस्ट सेंटर और यूएमएल में एकता नहीं हुई तो अगले आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगी, तब वो 5 साल के लिए शासन में आ जाएगी। ये सरकार फिर से अमेरिका की करीबी रहेगी और उस हाल में चीन को नेपाली कांग्रेस और उसकी सरकार से उसे डील करना होगा। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी से नेपाली कांग्रेस से संबंध बढ़ाने की रणनीति बनाई है। नेपाल में सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएन यूएमएल मुख्य विपक्ष है, जबकि दूसरा सीपीएन नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में भागीदार है। मई 2018 में दोनों वामपंथी पार्टियां मिलकर एक हो गई थी, लेकिन इनका विलय अधिक दिन ठहर नहीं पाया और कुछ महीनों तक चली अंदरूनी कलह के बाद ये अलग हो गई। चीन ने इस पार्टी को एकजुट रखने के खूब प्रयास किए मगर ये गठबंधन टिक नहीं सका और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते साल मार्च में टूट गया। चीन इस बात को लेकर भी चिंतित है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से नेपाल पश्चिम की तरफ झुक गया है, लेकिन चीन नेपाल संबंधों के विशेषज्ञों की राय है कि एक यात्रा से चीन अपने सभी मकसद हासिल कर लेगा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इस यात्रा से उसे नेपाल की जमीनी हालत से परिचित होने में मदद जरूर मिलेगी। श्रीलंका में चल रही भीषण उथल पुथल के बीच दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर नौसेना की जहाज से फरार हो गए हैं। पर यह सवाल सभी के मन में है कि आखिर श्रीलंका के राष्ट्रपति अपने भवन से कैसे निकले, वो किस रास्ते से भागे। अब वो सीक्रेट रास्ता मिल गया है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में एक खुफिया बंकर मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बंकर के सहारे ही राष्ट्रपति भागे है। ये खुफिया बंकर कुशलता के साथ अंडरग्राउंड निर्माण किया गया है।
इसे एक नकली दरवाजे के जरिए ऐसे छिपाया गया है कि पहली नज़र में किसी को भी शक नहीं होता कि ये एक रास्ता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप में तीन लोगों को सूटकेस ले जाते और जहाज SLNS गजबाहू पर लोड करने के लिए दौड़ते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को कोलंबो बंदरगाह पर बनाया गया है। इस बीच श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाए बैठे प्रदर्शनकारियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इन प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन से बरामद 1,78,00,000 से ज्यादा का कैश पुलिस को सौंप दिया है। कोलंबो पुलिस ने खुद ही बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने फोर्ट पुलिस स्टेशन को 17,08,50,000 रुपए नकदी सौंपी है। ये पैसा राष्ट्रपति भवन से बरामद किया गया था। ऐसे में श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों की खूब तारीफ भी हो रही है। लोगों का कहना है कि अराजकता के बावजूद इन प्रदर्शनकारियों ने पैसों को लूटा नहीं बल्कि उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पाकिस्तान के लाहौर में ईसाई धर्म मानने वाले एक व्यक्ति को ईश निंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। व्यक्ति पर बस आरोप था कि उसने पैगंबर के बदले जीजस को सुप्रीम कहा था। पेशे से मैकेनिक अशफाक मसीन पर यह आरोप था कि उसने करीब 5 साल पहले एक ग्राहक के सामने कथित तौर पर एक पैगंबर का अपमान किया था। अशफाक मसीह नाम के इस व्यक्ति को जून 2017 में गिरफ्तार किया गया था। बाइक रिपेयरिंग का काम करने वाला अशफाक अपनी दुकान पर एक शख्स की बाइक ठीक कर रहा था। जब उसने बाइक ठीक करने के 4,000 रुपये मांगे तो ग्राहक ने उसे डिस्काउंट देने को कहा। जब मसीह ने इसका कारण पूछा तो ग्राहक ने कहा कि वह मौलाना है और उसे धार्मिक आधार पर छूट मिलनी चाहिए। मसीह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ईसाई है और पैगंबर नहीं, जीजस पर विश्वास करता है। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और भीड़ जमा होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मसीह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ रसूल की तौहीन का केस दर्ज कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया। साल 2017 से चल रहे मसीह के खिलाफ ईशनिंदा के मामले के कई पड़ाव आए। एक बेटी और पत्नी के इकलौते रखरखाव करने वाले मसीह ने साल 2019 में अपनी मां को खो दिया। उसे मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त दी गई। मसीह की सजा ने नागरिक समाज समूह को मानवाधिकारों की आवाज़ों को बुलंद करने वाले लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है। भारत के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहे चीन और पाकिस्तान ने नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। सी गार्जिन 2 नाम का यह अभ्यास शंघाई के समुद्री तट पर आयोजित किया गया है। इस दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने और एक साथ संचालन के तरीके को सीखेंगी। इस युद्धाभ्यास में चीन के स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से लैस युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का प्रमुख मकसद हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना भी है। कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान को हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों में समुद्री डकैती और समुद्री आतंकियों सहित गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि दोनों देश इन दिशा में सहयोग बढ़ाएं। सी गार्जियन अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2020 में कराची से दूर उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। इस बार समुद्री सुरक्षा खतरों से संयुक्त रूप से निपटने की थीम वाले इस अभ्यास में समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ संयुक्त हमले, संयुक्त सामरिक युद्धाभ्यास, संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध और क्षतिग्रस्त जहाजों के लिए संयुक्त सहयोग सहित प्रशिक्षण अभ्यास शामिल होंगे। अभ्यास का लक्ष्य रक्षा सहयोग बढ़ाना, पेशेवर और तकनीकी आदान प्रदान करना, दोनों देशों और दोनों नौसेनाओं के बीच पारंपरिक दोस्ती को गहरा करना तथा चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।